कोई बंदा तुमको ये कहता है कि मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट करा दूंगा, तो सबसे पहले तो उस बंदे को ये बोलो कि भैया तुम किसी भी चीज़ को डिलीट तो तब कराओगे जब तुम्हारे पास होगा। अगर तुम किसी चीज़ सही को बात है। डिलीट कराने की ताकत रखते हो तो तुम्हारे पास वो डाटा भी होगा। हाँ तुम सही बात भैया है। अगर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को डिलीट करा रहे हो तो कम से कम ज़्यादा नहीं मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट का 5-6 कॉन्टेक्ट लिस्ट का नंबर बता दो, मेरे मम्मी का ही नंबर बता दो, मेरा आधार कार्ड का ही नंबर बता दो, पैन कार्ड का ही नंबर बता दो, कुछ ना बता हाँ जी पाएगा हाँ वो। भैया वो फ्रॉड है, सिंपल सी बात समझ लो, वो फ्रॉड कर रहा है। तो क्या पैसे भी दिए हैं तुमने उसको? हाँ नहीं दी है ना, मैंने वो पहले उससे बात करी थी, कह रहा हम अपना ऐप को हैक करते हैं अरे फिर उसमें से मादरचोद, डाटा उसको निकालते ये हैं। कहते हैं कि साले तू हैक करता है, ठीक है तेरी ये बात भी मान ली, तू हैक करता है तो चल मेरे भैया कॉन्टेक्ट लिस्ट के ना 5 नंबर बता दे। मैं तो एक चलो टाइम पे दे भी देता, लेकिन जब उसने ना आधार कार्ड पैन कार्ड और वो फोन नंबर मांग रहा था हाँ, वो तभी क्या मेरे को करता है झटका ना, लगा, वो जो मतलब मैं कहा मुझे भाई। अभी तक जो मेरे पास कंप्लेन आई है, जो मेरी अभी तक मतलब समझ है, क्योंकि तो मैं हूँ हाँ एडवोकेट को यूट्यूबर नहीं, और मैं इस चीज़ को, वो बंदा पैन कार्ड मांगता है, क्योंकि तो मेरे पास ना तुमसे पहले एक बंदे भी आए थे, मैंने उसकी कंप्लेन भी कराई है, और वो एक नहीं होता एक शरीफ आदमी है, उसके खिलाफ कंप्लेन हो तो उसको डर लगता है, कहता अरे यार कंप्लेन मत कर, वापस ले ले या पैसे वापस ले ले। वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, उसके खिलाफ नहीं भी तो पता नहीं कितनी कंप्लेन हो चुकी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई कंप्लेन कर रहा है, मेरा अकाउंट फ्रीज होगा, पुलिस पकड़ेगी, पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता, खुलेआम अपना चेहरा दिखाकर वीडियो बनाकर धंधा कर कैसे रहा है। और दूसरी बात है कि वो कहीं ना कहीं लोन ऐप वालों से मिला हुआ है, क्योंकि जो डाटा तुमसे मांगता है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड मोबाइल नंबर, वो उस डाटा को कहीं ना कहीं बेचता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनका यही कहना है कि सर मैंने कहीं लोन अप्लाई नहीं किया, फिर भी मेरे नाम से लोन अप्लाई हो रहा है। तो भैया वो कहीं ना कहीं पैन कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर, मोबाइल नंबर लेके कुछ ना कुछ फ्रॉड करता है। वो क्या करता है वो भी मैं बता दूं, तुम्हारा ही डाटा डिलीट कराने के नाम पे तुमसे ओटीपी मांग लेगा, और फिर किसी और लोन ऐप पे अप्लाई कर देता है, और फिर वहां पे अपना बैंक अकाउंट डाल देता है, पैसे उसको आते हैं, यानी वो डबल फ्रॉड चल रहा है। समझ गया समझ गया। तो ये ना मतलब कि देखो, सर कोई मैंने कहे ना कि जैसे मैं एक डाटा चीज़ देखो डिलीट करा सर, दूंगा, हैक करा दूंगा, अरे भैया साला उससे तो ये पूछ ले कि अरे ठीक है तू डाटा डिलीट कराने की शक्ति रखता है, अगर कोई समझ रहे हो यार, किसी का फोन का, अगर मेरे ही फोन का या तुम्हारे ही फोन का, कोई फोन नहीं हैक कर सकता, कोई किसी के ऐप का सर्वर कैसे हैक कर लेगा, बात समझ रहे हो? अरे हाँ भैया बिल्कुल एप्पल बिल्कुल स्टोर सर, पे किसी ने तभी भी ऐप डाला है, तुम उसके ऐप को ही हैक कर लोगे, अरे भैया वो तो बहुत दूर की बात, तुम किसी का मोबाइल भी हैक कर लो ना तो 2400 क्या, तुमको तो लोग 1-1 लाख रुपए गिन दें, समझ रहे हो हाँ बात? सही बात है। भैया 2400 रुपए क्या, 2400 रुपए तो मैं दे दूं या तुम भी दे दोगे? चलो यार मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर हैक कर ले, चल यार मेरे वो दुश्मन है मेरा उसका हैक कर ले, मेरा उसका हैक कर ले, चला फोन तुमसे हैक नहीं होगा तुम ऐप हैक करने जा रहे हो, हाँ सही बात है सर। और इतने सस्ते में अगर हैकर मिलने लगे ना तो फिर तो भैया दुनिया में ऐप की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, या मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अरे वो मतलब फ्रॉड है, मैं उसको एक सिंपल, और हो चाहिए बहुत से ऐसे गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे आपको लोग मिलेंगे जो आपसे लोन क्लोज करवाने के नाम पे, लोन ऐप से डाटा डिलीट कराने के नाम पे पैसे ठगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तभी मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से, कहीं लोन ऐप का कोई डाटा डिलीट नहीं हो जाने के नाम पे आपके साथ एक और साइबर फ्रॉड हो जाएगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर कोई ऑनलाइन साइबर ठगी होती है आप उसकी साइबर क्राइम कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे जो भी पैसा आपका गया है वो रिकवर हो जाए, और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है नीचे आप कमेंट करें, जिससे लोग जागरूक हो, उनका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। तो इसलिए गूगल पे फेक कस्टमर केयर, फेक डाटा डिलीट कराने वालों से सावधान रहें।